प्रणाम, हम छी मोनालिसा। हम बनाबे जा रहल छी आइ माता रानी के लागि भोग हलवा पूरी। तऽ ओहि के लागि हम लऽ लेने छी हलवा के सामान छै ई, आओर साथ मे कढ़ाई भी देखू गरम भऽ रहल छै हमर। तब शुरू करै छी। एहिमे हम राखि देबै पहिले कनी सन घी, एहिमे हम काजू जे छै हल्का फ्राई कऽ लेबै। काजू भऽ गेल छै तऽ हम निकालि लेबै। कनी सन आओर घी राखि देबै एहिमे हम, साथ में रख देबे सूजी। तो अपना क्वांटिटी के हिसाब से अहाँ के जते बनाबे छी ओहि हिसाब से लऽ लियो। हम एकटा ई कटोरी से लऽ लेने छी कटोरी। अब एकरा हम मध्यम से कम आँच पर गोल्डन ब्राउन होय तक भूजि लेबे। तेज आँच पर करबै तऽ बहुत धुआ भऽ जाइ छै सूजी के भूजे टाइम में। देखियो सूजी कतेक नीक भुजा गेल छै। एकदम हम कनिका देर बीच मे मध्यम आँच मे भुजने छलियै आओर ओकर बाद कम आँच पर अभी भऽ गेल छै। आब हम आँच के कनी बंद कऽ देने छी, जैसे कि हम एहिमे पानि या दूध डालबै तऽ नहि उफनतै ज्यादा, नहि तऽ बहुत उड़ै छै। तऽ ई जे कटोरी से हम सूजी लेने छलियै हँ ओहि कटोरी से हम पहिले पानि रखबै। ई पौने दू कटोरी जते हम एक कटोरी से पानि देलियै। हम गैस भी जला दै छी लेकिन आँच के हम अभी कमे रखबै। अब हम एहिमे दूध रखबै। ई ध्यान रखबै जते हम सूजी लै छी अपना सब कोनो चीज से नापे के लेब तऽ बढ़िया रहतै। तऽ ओहिमे पाँच गुना छओ गुना, मतलब जेना ई एक कटोरी हम लेने छलियै सूजी, तऽ ओहिमे हम छओ कटोरी जते मे अहाँ जे डालू पानी डालू ओहो डालबै छओ कटोरी, आओर दूध डालबै तऽ ओहो डालबै छओ कटोरी। तऽ पहिले अभी कनिका हम बने दै छी हल्का सुखे दै छी, आँचके हम मंथप कऽ दै छी, जैसे कि सूजी भी बढ़िआँसँ बनि जेतै पाकि जेतै आओर ई कनिका गाढ़ा भी भऽ जेतै दूध सुखि जेतै। तब एहिमे रखबै आओर दूध। हम कनि आओर आँचके कम कऽ दै छी। अब एहिमे हम बाकी दूध राखि देबै। हम अढ़ाई कटोरी दूध देने छलियै हँ, एहिमे डेढ़ कटोरी जते आओर राखि देबै। भऽ गेलै। अब एकरा हमरा सबके ई ध्यान रखैके छै कमे आँच पर बनेबै। एना मेजर कऽ के नापिके जे रखबै दूध पानी तऽ बहुत नीक सूजीके हलवा बनै छै, बहुत नरम सॉफ्ट बनि जाइ छै। हल्का बेसियो रहतै तऽ कोइ बात नहि छै, पानी पड़ि गेलै तऽ ज्यादे भी, लेकिन कम नहि देबै, नहि तऽ कड़ा हो जाइ छै हलवा। जेना जेना ठंडा होइ छै ओ कड़ा भऽ जाइ छै हलवा। आब हम कमे आँच पर बनेबै। देखियो बहुते सूखि गेल छै। ओहिमे हम चीनी राखि देबै। चीनी अहाँ सब अपना स्वाद के हिसाब से लऽ सकै छी। हलवा सबमे कनिके घी है ना मीठा रहै छै तब नीक लगै छै, आओर घी जे ज्यादे रहै छै हलवामे घी तऽ चाहबे करी तऽ नीक बनै छै हलवा। अभी बढ़िआँसँ हम नीक जकाँ अभी हम कमे आँच पर बना रहल छी सेहो ध्यान राखब। हम कमे आँच पर फेर बने दै छी बढ़िआँसँ, ई जे चीनी पिघलतै ओकरा हम किनका आओर सुखा कऽ लेबै। आओर अखने हम राखि दै छी इलायचीके पाउडर। देखियौ कते नीक भऽ गेल छै ई हलवा। जे काजू रोस्ट कयने छलियै ओ राखि देबै, तोड़ि देलियै ओकरा हम, किनका बचा लेबै गार्निशिंगके लागि।
और हल्का सा ऊपर से कनिकसन और घी रखबे हम कन के, और कनिका तेज आँच करके एक दू बेर मिक्स कर दे छे, तब गैस के हम बंद कर देबे। तब ओकर बाद हम पूरी छानि लेबे। माता रानी के हलवा पूरी बहुत पसंद छै, ओहि कारण से हम बना रहल छी हुनका भोग लगाबे ला। देखियो भऽ गेल छै हलवा, एकदम तैयार छै। हम गैस ऑफ कऽ लेबे। हम देखू किनका पूरी बेल लेने छी, तेल भी गरम भऽ रहल छै कढ़ाई मे, तऽ एना छोट छोट लोई लऽ के जेहन हमसब सादा रोटी के लागि आटा लगाबै छी ओहन ओहने सानि लेने छी हम। हल्का मोटे बेलबे हम पूरी, जैसे कि नीक जगह फूल जेतै। तेलो गरम भऽ गेल छै तऽ हम छानि लेबै पूरी। अहिना हमसब पूरी छानि लेबै। ई तैयार छै माता रानी के लागि भोग हलवा पूरी। तऽ आशा छै कि अपने सबके नीक लागल हेतै हमर ई वीडियो। धन्यवाद, प्रणाम, और दशैं के बहुत बहुत शुभकामना छै सब गोटे के।